नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी डिटेल पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, क्या इसकी जोन वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, किस जोन में किस कैटेगरी में क्या किस पोस्ट पे क्या कट ऑफ रहेगी, वो सारा डिटेल में डीपली हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये यह देख सकते हो आप, सारी की सारी लिस्ट आप सभी को मालूम होगा किस जोन में कितनी पोस्ट है ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ पर इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि किस जोन में कितनी कट ऑफ है, आप सभी को मालूम है। एग्जाम हो चुका है कंप्लीट, 11 तारीख को ऑफिशियल आंसर की आने वाली है, जैसे कि आप लोगों ने मतलब यूट्यूब पे अलग अदर चैनल्स पे देखा हो। तो वेल बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे हम चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में दोस्तों आप सभी को मालूम है सबसे हाई कट ऑफ हाई मतलब पोस्ट है, 7832 पोस्ट है यहाँ पे टोटल, आप सभी को मालूम है। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं हम। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, हम सभी जोनों को बारी बारी से हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी और क्या आपके नंबर आने चाहिए इस कट ऑफ के लिए। दोस्तों चंडीगढ़ में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ग्रुप डी में पोस्ट है, जिसमें मतलब 7800 के करीब पोस्ट है आपकी, और 23500 बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए कोलेटर आएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से यह मान के चलिए आपकी सबसे ज़्यादा जो सबसे मिनिमम कट ऑफ जाएगी वो चंडीगढ़ की ही जाएगी आपकी फाइनली। तो दोस्तों अगर बात करें हम मैक्स कट ऑफ की चंडीगढ़ में, तो आप मतलब ये मान सकते हो हेल्पर में जो वर्कशॉप एसी और जनरल सर्विसेज इलेक्ट्रिक ट्रेड है, वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पॉइंट्स मैन हेल्पर सिग्नल की वर्कशॉप की, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत हाई देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर बात करें हम मिनिमम कट ऑफ का, कौन से मतलब कौन सी पोस्ट के लिए मिनिमम कट ऑफ रहेगी, तो आपकी यहाँ पे देख सकते हो मतलब ट्रैक मेंटेनर और इसके अलावा पोर्टर हेमल और स्वीपर कम पोर्टर की यहाँ पे मतलब मिनिमम कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों अभी मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ कितने रह सकती है, तो ये मैं अब आपको बता दूँ। मिनिमम कट ऑफ आपकी यहाँ पे इस मतलब जोन में चंडीगढ़ में मिनिमम कट ऑफ 40 के आसपास या 45 के आसपास वेरी करेगी, वहीं मैक्सिमम कट ऑफ 70 तक जा सकती है दोस्तों, क्योंकि कई जगह पे यहाँ पे मतलब देख सकते हो आप ट्रेड में पोस्टें बहुत ज़्यादा कम है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ 70 और मिनिमम 40 रहेगी चंडीगढ़ जोन तो में वेल दोस्तों। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, या फिर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इतनी लो कट ऑफ नहीं जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सीधा सा क्लियर कर देता हूँ कि हाई भी कट ऑफ जाएगी, लो भी जाएगी। कैसे जाएगी, कई पोस्ट ऐसी है जहाँ पे कोई पोस्ट में वैकेंसीज कम है, तो वहाँ पर हाई अपने आप चली जाएगी पोस्ट के हिसाब से, मतलब यहाँ पे कट ऑफ बनेगी। दोस्तों आप सभी को मालूम है एलपी में भी अभी लोको पायलट की हाई गई थी, तो टेक्नीशियन में थोड़ी सी कम गई थी। तो उसी हिसाब से हर जोन में किसी पोस्ट की हाई कट ऑफ जाएगी, तो किसी पोस्ट की कम लो कट ऑफ रहेगी। यहाँ पे पोर्टर स्वीपर पोर्टर ये जो वैकेंसीज है ना लो लेवल वाली, तो उनमें कट ऑफ भी लो ही जाने वाली है दोस्तों, ये मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पे मतलब वैकेंसीज भी उनकी हर जोन में ज़्यादा ही है। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हमने ये कट ऑफ मतलब हिसाब से बनाई है। आप यहाँ पे ये कट ऑफ देख सकते हो, ये सारी की सारी मतलब एग्जैक्ट ये मान के चलिए 90% यही कट ऑफ रहने वाली तो है। दोस्तों वेल नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सिकंदराबाद की। दोस्तों सिकंदराबाद में टोटल पोस्ट है 6523, ये मान के चलिए मतलब 20,000 के आसपास आपको मतलब फिजिकल के लिए कॉल आएगा, 20,000 बंदों के आसपास। वहीं अगर बात करें यहाँ पे मतलब क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है मिनिमम और मैक्सिमम, आप सभी को मालूम है दोस्तों सिकंदराबाद सेकंड हाईएस्ट जोन है जहाँ पे मतलब मैक्सिमम पोस्ट है, उससे पहले यहाँ पे चंडीगढ़ मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों यहाँ पे सिमिलरिटी यही है कि चंडीगढ़ और सिकंदराबाद की मतलब जो कट ऑफ जाएगी वो सेम ही जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंस और पॉइंट्स मैन की, तो यहाँ पे हो सकता है इसमें मतलब 65 से 70 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाएगी पॉइंट्स मैन और हॉस्पिटल अटेंडेंट तो की। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं अहमदाबाद के। अहमदाबाद में दोस्तों आप सभी को मालूम है 6,000 के आसपास यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। अगर बात करूँ मैं पीईटी के लिए कोलेटर की, तो 18,000 के आसपास आपका कोलेटर आ जाएगा, मतलब 18,000 लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन दोस्तों 6,000 के आसपास ही मिलना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब यहाँ पे भी मतलब 60 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ आपकी वेरी करेगी। फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों 60-65 के आसपास यहाँ पे अहमदाबाद की रहने वाली है दोस्तों इस बार। हाईएस्ट कट ऑफ अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे मतलब हाईएस्ट हॉस्पिटल अटेंडेंस, इसके अलावा एसी में हेल्पर की और पावर में, इसके अलावा अगर बात करें कैरिज वैगन की, तो वो थोड़ी मैक्सिमम जा सकती है। इसके अलावा पोर्टर स्वीपर इनकी बात करूँ तो मैं मिनिमम रहेगी दोस्तों ये मान के चलिए। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर की भी यहाँ पे मतलब कमी जाएगी, तो ये मान के चलिए फाइनल मतलब सिक्योर यहाँ पे नंबर आपका 55 से 65 के बीच में रहेगा इस बार अहमदाबाद में। दोस्तों अगर पटना की बात की जाए, तो पटना में मतलब ज़्यादा एप्लीकेंट मतलब अप्लाई किए हैं, अगर बात करूँ मैं कंपेयर टू उसकी मतलब चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं पटना में। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन ये मान के चलिए आपके मतलब पटना की और सिकंदराबाद या फिर अगर बात करूँ चंडीगढ़ की, तो ये सेम टू सेम रहने वाली है दोस्तों इस बार, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ
ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा है। और अगर बात करूँ पोस्टों की, तो पोस्ट आप सभी को मालूम है दोस्तों यहाँ पे 6,000 के आसपास पटना में है। तो इस हिसाब से वही अहमदाबाद का सीनेरियो यहाँ पे निकल के आता है, 18,000 के आसपास आपको मतलब पीईटी के लिए कॉल आएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे पोस्टें थोड़ी सी कंपेयर टू चंडीगढ़ से कम है। तो उस हिसाब से मतलब कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जाने के चांसेस है। 75 के आसपास पटना में दोस्तों इस बार कट ऑफ जाएगी, ये मान के ले लो, लिख के ले लो। अगर बात करूँ मैं मिनिमम कट ऑफ की स्वीपर पोर्टर वाली पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे 55 या 50 के आसपास वो पोस्ट के लिए आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों इस बार। दोस्तों अगर मैं मैक्सिमम कट ऑफ की बात करूँ इस बार ग्रुप डी में, तो ये मान के चलिए अजमेर की मैक्सिमम तो नहीं कर सकता, लेकिन रेड जोन एरिया है ये, मतलब जो भी टॉप 5 कट ऑफ रहेगी मैक्सिमम वाली, उसमें ये शामिल होगा अजमेर, 100% लिख के ले लीजिए। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे मतलब 4,750 के आसपास यहाँ पे पोस्ट है। तो वही मैं मतलब ये मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा बहुत मतलब पोस्टें नहीं है, वही यहाँ पे कट ऑफ सेम टू सेम नहीं जाएगी, थोड़ी सी मैक्सिमम जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से ये मान के चलिए 75 के आसपास यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ वेरी करेगी। वहीं अगर मैं मिनिमम कट ऑफ की बात करूँ, तो 55 या 60 के आसपास आपकी यहाँ पे मतलब कट ऑफ रहेगी दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं भोपाल रीजन की। भोपाल दोस्तों, भोपाल में यहाँ पे इस बार ये माना जा रहा है कि थोड़ी कम कट ऑफ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर जोन के, क्योंकि दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे दा तो है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा अदर स्टेट में, जैसे चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। इसके अलावा बात करूँ अदर सिकंदराबाद में बहुत ज़्यादा थे, तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़े ज़्यादा एप्लीकेंट नहीं है। लेकिन अगर बात करें पोस्टों की, तो पोस्टें बहुत ज़्यादा कम दे दी इसमें कंपेयर करें अगर चंडीगढ़ के, दोस्तों यहाँ पे 3500 पोस्ट है, जो कि आधी से भी कम है अगर मैं कंपेयर करूँ चंडीगढ़ से। तो इस हिसाब से दोस्तों कट ऑफ यहाँ पे आपकी ये मान के चलिए 65 से 70 के आसपास रहेगी, अगर मैक्सिमम कट ऑफ बोलूँ तो मैं। अगर मिनिमम वही है, अगर बात करें पोर्टर स्वीपर के हिसाब से, तो दोस्तों ये मान के चलिए 55 नंबर आपके आने ही चाहिए। दोस्तों अगले नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद में सब लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी हाई कट ऑफ जाएगी। दोस्तों इस बार मैं कह रहा हूँ ग्रुप डी में सबसे कम कट ऑफ तो नहीं हो सकती, लेकिन कम कट ऑफ जाएगी ही जाएगी इलाहाबाद की। ये मान के चलिए टॉप 5 कम कट ऑफ में इलाहाबाद शामिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर जोन के हिसाब से, आसपास जो जोन लगते हुए उनके हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ, वो ज़्यादा मतलब पोस्ट है यहाँ पे, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर करें अगर आसपास के जोन के। तो दोस्तों इस हिसाब से मतलब ये लिख के ले लीजिए आप कि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। कट ऑफ कम कितनी जाएगी अभी ये मान के चलिए आपकी मैक्सिमम कट ऑफ 60 से मतलब 65 के आसपास ही रहेगी इसमें मैक्सिमम कट ऑफ। अगर वहीं मिनिमम की बात करूँ, तो 40 से 45 के बीच में यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ रहेगी स्वीपर पोर्टर की। दोस्तों नेक्स्ट जोन की बात करते हैं यहाँ पे गोरखपुर। गोरखपुर में भी दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कुछ ज़्यादा ही है कंपेयर टू मतलब अदर स्टेट आसपास के जोन के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे ये मान के चलिए आप मतलब गोरखपुर में भी ज़्यादा मैक्सिमम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। 65 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, तो आप नंबर सुपर सेफ है, ये मान के चलिए कि हाई पोस्ट भी आपको मिल सकती है 65 नंबर आपके है तो। वहीं अगर मिनिमम की बात करें, तो 40 के आसपास या 45 के आसपास मान के चलिए आप। वहीं दोस्तों यहाँ पे अगर रांची की बात करें, तो रांची में दोस्तों 2525 पोस्ट है यहाँ पे, मतलब कि ये मान के चलिए 8,000 के आसपास मतलब पीईटी के लिए कॉल आएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो 25-25 पे ही होना है दोस्तों, 25,025 के मतलब 2,525 लोगों को ही लिया जाएगा। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे भी मतलब ये मान के चलिए हाई नंबर ऑफ मतलब कट ऑफ जाने वाली है, 75 के आसपास ही यहाँ पे हाई कट ऑफ रहेगी दोस्तों। उसके अलावा अगर मिनिमम कट ऑफ बात करूँ, तो 50 के आसपास ही मान सकते हो आप। बिलासपुर की बात करते हैं दोस्तों, बिलासपुर में यहाँ पे थोड़ी सी कंपेयर टू अदर जोन के हिसाब से मतलब कम पोस्टें हैं यहाँ पे, 1,150 पोस्टें हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों ये मान के चलिए यहाँ पे भी थोड़ी हाई कट ऑफ रहने वाली है 75 के आसपास। दोस्तों ये सारे के सारे जोन जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये सारे के सारे लो मतलब वैकेंसीज है, तो उस हिसाब से आप ये मान के चलिए कि हाई कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। वही बेंगलोर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमम हो जाता है 2,293, तो ज़्यादा कम पोस्टें नहीं है ये मान के चलिए चंडीगढ़ या सिकंदराबाद के कंपेयर टू, यहाँ पे मतलब बहुत ही लो वैकेंसीज है, तो उस हिसाब से हाई कट ऑफ रहने के हिसाब से दोस्तों इन सभी जोन में यहाँ पे इंडिविजुअल जनरल ओबीसी एससी एसटी पीएच एक सर्विसमैन की इंडिविजुअल बताना कोई सेंस की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा ये वीडियो जाएगा, इसके अलावा पोस्टें भी कम है, तो यहाँ पे एक्यूरेट नहीं जाएगा जैसा कि मैंने शुरुआत के जोन में बताया था, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जाता है, तो वहां पे मतलब 90% के आसपास हमारा मतलब सही बैठेगा, लेकिन यहां पे सही नहीं बैठेगा क्योंकि पोस्टें ज्यादा है और वैकेंसीज थोड़ी कम है, सॉरी यहाँ पे मतलब वैकेंसीज कम है। तो उस हिसाब से मतलब ये एक्यूरेट नहीं बैठ पाएगा। और आप सभी को मालूम है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अप्लाई किए थे इन जोनों में, तो वो सारे के सारे मैक्सिमम है, तो ये मान के चलिए 75 तो कहीं ना कहीं 80 भी इन जोनों में जा सकती है कट ऑफ। ये बिलासपुर, इसके अलावा गुवाहाटी में देखिए दोस्तों, जैसे कि 2,577 पोस्ट है देखने को मतलब ज़्यादा लगती है, लेकिन एक्चुअल में अगर कंपेयर करूँ मैं चंडीगढ़ या सिकंदराबाद के, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम पोस्टें हो गई है। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट उतने ही होते हैं जितने कि अदर जोन में है दोस्तों, पहली बात तो ये। बाकी अगर बात करूँ उनके लेवल की, स्टडी लेवल की, तो वो सारे के सारे एएलपी वाले ने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, तो उस सबसे कट ऑफ सबकी सेम जानी है। अगर आगे अगर मतलब कट ऑफ अगर इंक्रीज होती है, तो वो इंक्रीज इसी कंडीशन में होगी, कट ऑफ या तो वैकेंसीज वहाँ पे कम होगी, अगर कट ऑफ कम रहती है तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा है।
दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे कोलकाता रीजन की, कोलकाता में आप देख सकते हो दोस्तों 2350 के आसपास है। दोस्तों ये लास्ट वाले जोन सारे के सारे मतलब इनमें एज़ कम्पेयर टू 2000 या 1500 के आसपास पोस्ट है, तो उस हिसाब से कट ऑफ आपकी 75-80 के आसपास मैक्सिमम रहनी ही रहनी है दोस्तों। ये जाएगी हाई, ये मान के चलिए आप में सब सब लोग कहेंगे कि 65-65 जाएगी या 70 जाएगी, तो दोस्तों वो मिनिमम कट ऑफ जाएगी 50 के आसपास, 55 के आसपास, तो उस हिसाब से ये बैठेगा इस बार। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि इस एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज़ और नोटिफिकेशन समय समय मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।